नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन वीडियो अपलोड नहीं किया है। आज मन गया थोड़ा वीडियो अपलोड करने के लिए। मेरा साथ है एक तो जाना माना, माने बिहार का ही है, बीजेपी का ही माने ये है, लेकिन वो भी बेचारा अभी अफसोस बोल रहा है जो हम लोग वोट देने के लिए जाने नहीं सका है। लेकिन उसका भी प्रॉब्लम है, वो काम करता है, लेकिन वो भी बहुत दुख हो रहा है जो हम लोग बीजेपी में माने हम लोग वोट मारने के लिए जाने नहीं सका है। बहुत अफसोस कर रहा है वो, तो उसका जो रीज़न बोला है, लेकिन वो लोग फुल माने भाजपा का ही है, मोदी जी का नारा लगाते हुए बोला है जो मोदी जी तो देश में ऐसा जाल बिछा के रखा है जे माने जो लोग गुंडा लफुआ लोग माने जाते ये करने नहीं सकते हैं। बोलो उसका बारे में, बोलो मोदी जी का जो जाल बिछा के रखने वाला। मोदी जी जाल बिछा कर रखा है, डिफेंस के लिए बहुत अच्छा काम किया है, सिर्फ डिफेंस के लिए काम किया है, बाकी पब्लिक के लिए उतना नहीं करना है, डिफेंस के लिए काम किया है, बस सिर्फ डिफेंस के लिए काम किया है। ऐसा सा रफेल मंगा दिया, ऐसा सा सामान मंगा दिया, तो मंगा दिया, मैंने डिफेंस के लिए काम अच्छा काम किया है। और क्या बोलेगा, और क्या बोलेगा हमको सरकार का, और क्या बोलेगा जो इतना सरकार जो जीएसटी वगैरह ले रहा है उसका। जीएसटी वगैरह वो लेने के तो अलग बात है ना, हम लोग तो गरीब आदमी है, जीएसटी के लिए क्या लें, हम लोग का जीएसटी लाएगा, हमको सामान खरीद लाएगा। श्री मोदी डिफेंस के लिए काम किया है, बस डिफेंस के लिए मोदी बहुत अच्छा काम किया है, मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं। मोदी का जो जाल में कौन कौन फंसा है, वो फंसा है लेकिन हमको मालूम नहीं है, कोई फंसा नहीं हमको मालूम नहीं। हम डिफेंस के लिए मोदी अच्छा काम किया है, हम धन्यवाद बोल रहे हैं मोदी जी के, बस नहीं मोदी हम पब्लिक के लिए नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी डिफेंस के लिए बहुत अच्छा काम किया है, हम धन्यवाद मोदी जी को देते हैं, प्रणाम करते हैं मोदी जी के। ठीक है, तब तो दोस्तों ये ऐसे ही बोला है मोदी जी का बारे में। मोदी जी का जाल माने वो जो जाल बिछाए अच्छा बिछाए है, मैंने अच्छा के लिए बिछाए, खराब नहीं बिछाया है, तो वही कहना चाहता हूँ। नमस्कार।